All right, let's get you the big news break that's coming in right now. After we told you first here on India Today who's going to be the next chief minister of Chhattisgarh, now let's get you details of the composition of what team Vishnu Deosai looks like. Two deputy chief ministers have been confirmed. We're hearing that one is Vijay Sharma and the second is Arun Sao. One is a prominent OBC face. Arun Sao was in contention to be the next chief minister as well. He's now been named as deputy CM. Important addition there, considering that he's a prominent OBC face. Besides that, the Kavardha Win hero, Vijay Sharma, has also been named as deputy chief minister. What about former chief minister Raman Singh? Well, he will be the next assembly speaker. The oath-taking ceremony is likely to happen in 2 days from now. The chief minister designate has met with the governor, as you see on the left of your screens. It's taken claim to form the government. कृष्ण देसाई के घर पर मौजूद हैं. आपको बता दें कि वो जल्द घर पहुंचने वाले हैं. उनके स्वागत की तैयारियां जो है वो कर ली गई है. हमारे साथ परिवार के लोग, हमारे साथ उनकी पत्नी है, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही हैं. मैम, सबसे पहला सवाल, आप कैसा महसूस कर रही हैं अब विष्णु देसाई जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने वाले हैं? बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. जो हमारी 30 साल की तपस्या थी वो आज सफल हुआ. और कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग संत की बड़ा सपना देखना चाहिए, वो हमने सपना देखा. विधायक जी से शादी हुई थी और आज उनके साथ साथ चलते चलते हम सीएम के पद तक पहुंच गए हैं. तो ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है. आज जब सुबह घर से वो निकले तो आपको उम्मीद थी कि जब वापस आएंगे तो नव निर्वाचित मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने इष्ट को मानते हैं और हमने जिस तरीके से पूजा करी, सेवा करी, हवन कराया, सब कुछ कराया. और कहते हैं जो ज्यादा साधना करता है उसको संकेत भी मिल जाते हैं, तो वैसा संकेत तो हमको मिल चुका था. इसलिए हमने सब सायदी से जब बात हुई कि मैं कार्यालय के लिए निकल रहा हूँ, मैंने कहा कि आप सीएम हो, बहुत बहुत बधाई. एक चीज की, महिलाओं को लेकर जो है बीजेपी काफी बात करती रही है. महिला आरक्षण बिल भी बीजेपी लेके आई. मध्य प्रदेश में आप जानते हैं लाडली बहना योजना भी चल रही है. आपको उम्मीद है कि अब विष्णु देसाई की जो सरकार होगी वो महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम करेगी? इसके लिए तो जैसे मैंने अभी 15-16 दिन लगातार अपने क्षेत्र में काम करा है और इस तरीके से मैंने अपने बहनों को स्वयं बोल के आई हूँ कि मैं इस बार आप सबके आगे आगे चलूंगी और मैं काम कराऊंगी, तो आप मेरे साथ रहना. तो हम सायजी का बिल्कुल साथ देंगे और हम स्वयं महिलाओं के साथ रहेंगे. उनके स्वागत की क्या तैयारियां कर रखी है? उनके साथ जैसे हमारी संस्कृति है, कलश हमने सजाया है, आरती सजाई है, उनका चरण पखारेंगे और तिलक करेंगे और स्वागत करेंगे. तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, परिवार कितना गदगद है. और विष्णु देसाई जो जिनका नाम जो है आज विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर निकल के सामने आया, उनके घर पर उनके स्वागत की तैयारियां जो है वो की जा रही है. ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं और परिवार वाले जो है वो काफी खुश हैं.